जम्मू कश्मीर में अभी हमला हुआ, किस तरह से वहाँ लोग मारे गए? 6 लोग मारे गए हमारे, और उसके बाद लेकिन हमारी सेना ने पूरे टक्कर से बदला लिया और उनके 8 आतंकवादी मारे। ये हमारे योगी जी और बाकी घटना का विरोध किया, इन्होंने बोला वो हमारे योगी जी और मोदी जी ने, इनको पता होना चाहिए वो योगी जी मोदी नहीं, वो हमारे देश की सेना है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे इतने माननीय CM है, कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया रहा और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने प्रदेश को चलाया और हम चाहते हैं कि दोबारा भी आए। वो पुलिस की बात करें तो उस पर क्या उम्मीद है? लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब योगी जी का जमाना है। अब जो गुंडागर्दी हो रही है वो पार्टी के द्वारा हो रही है। केंद्रीय मंत्री जिसके लड़के ने किसानों को मारा, कि मैं मंत्री से पहले कुछ और था, उनको 2 मिनट के अंदर बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, इसका मतलब क्या? उसके ऊपर हर केस। टेनी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो आपका वक्तव्य हो सकता है। अगर आप हिटलर पे पहुंच रहे हो तो अब मैं बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल इसी को हिटलर शाही बोलते हैं जो आज हमारे देश में है। हमारा लोकतंत्र का मतलब ये है, क्योंकि हर बंदा सरकार के साथ नहीं हो सकता। नाम से दिक्कत क्या है? अच्छा नाम मुझे कोई दिक्कत, अच्छा दूसरे लोगों को क्या दिक्कत? देश है मेरा, देश है। ऐसा नाम में ऐसा कोई थप्पा लगा कि नाम में ऐसा बदनामी क्यों हो गई? उनको लगता है कि मैंने कुछ ऐसे काम कर दिया कि मुझे बदनामी झेलनी पड़ी है। मुसलमानों ने ऐसा कोई गलत काम किया है कि जो आजकल? आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस। आदेश किसने दिया? आदेश किसने दिया? मोदी जी ने। इससे पहले आदेश क्यों नहीं हुआ? चलो जब हमने सोने वाले प्रधानमंत्री, इससे पहले रिमोट कंट्रोल सरकार थी भाई साहब। महंगाई का दर लगातार बढ़ गया है सर। जो राशन बढ़ता है ना 98,000 करोड़ रुपए का सालाना, वो किसी को याद नहीं आता? 5 किलो का याद आता है भाई साहब। एक सेकंड, भैया ने कहा बहुत अच्छा। 5 किलो के राशन के लिए लोग 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं, तब मोदी की वाहवाही नहीं करेंगे ये लोग? योगी आदित्यनाथ जी हमारे इतने माननीय CM है और इतना हर चीज को व्यवस्थित ढंग से करते हैं, लेकिन आज यहाँ मुझे लग रहा है कुछ। कोरोना काल तो बेहतर तरीके से मेंटेन किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये सब नहीं हो पा रहा। ओवरऑल उनके कार्यकाल की बात करें तो क्या दिखता है उनके कार्यकाल? कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया रहा और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने प्रदेश को चलाया और हम चाहते हैं कि दोबारा भी आए। वो आए, भरोसा है आपको? बिल्कुल आएंगे, आएगा 100%। ऐसा अगर हम 2-3 काम की बात करें तो ऐसे कौन से काम है कि जो वाकई में दिल को छूते हैं और सर मन है? सर सबसे पहले तो उनका जो प्रशासनिक कार्य है, जो उनकी जो अराजक तत्व है उनके ऊपर जो लगाम है वो बहुत कंट्रोलिंग है। वो आज से पहले नहीं देखा गया कि गुंडा राज पे इतना कंट्रोल हुआ, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए सर। अगर अखिलेश की बात करें तो उस पर क्या उम्मीद है? अखिलेश सर वो भी अपने जमाने में थे जब, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब योगी जी का जमाना है। कब तक रहेगा ये जमाना सर? जब तक योगी जी आएंगे। आपको भी लगता है? हाँ सर ने बोला कि गुंडा राज बदल गया है। क्यों भैया? एक मिनट। सर ने बोला गुंडा राज बदल गया है, शायद इनको ये नहीं पता गुंडा राज नहीं बदला, गुंडे बदल गए हैं। अब जो गुंडागर्दी हो रही है वो पार्टी के द्वारा हो रही है। लोगों को चढ़ा दिया जाता, मार दिया जाता। एक विधायक, एक मंत्री ये बोल रहा है कि मंत्री से पहले मैं कुछ और था, मतलब समझ रहे हो, मैं गुंडा था अब मैं मंत्री बन गया हूँ। ये कि जहाँ गुंडा मंत्री बना हो या फिर मंत्री को ठोक दिया गया हो, अरे अभी जो मंत्री है हमारा, केंद्रीय मंत्री जिसके लड़के ने किसानों को मारा, उसने क्लियरली बोला कि मैं मंत्री से पहले कुछ और था, उनको 2 मिनट के अंदर बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, इसका मतलब क्या? उसके ऊपर हर केस। टेनी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो आपका वक्तव्य हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, मैं भी मान लेता हूँ कि हाँ हो सकता है आपके प्रोसीडिंग्स बहुत सही हो। मतलब यह है कि क्या लखीमपुर खीरी मामले में उन्होंने गुंडागर्दी की है? सर गुंडागर्दी कैसे हो सकती है? आप जा रहे हैं 0 स्पीड से, आपका काफिला 150 की स्पीड से आ रहा है। मैं कहता हूँ ब्रेक नहीं लगे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि उन्होंने लिटरली इंटेंशनली मारा है उनको। इंटेंशनली नहीं मारा, उनकी कोई दुश्मनी है? सर ये बोल रहे हैं इंटेंशनली, जहाँ ऑलरेडी ये काफी लोग एक ऑलरेडी जहाँ धरना दे रहे हैं, आपका विरोध कर रहा है, आप पीछे से लाकर। उसके पीछे क्या हुआ था ये बताइए? अगर जैसे पहले गाड़ी चढ़ के मौत हो जाती है, उसके बाद में जो 4 लोगों को, 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पकड़ करके मारा गया, मौत के घाट उतार गया, वो क्या था? देखिए वही अराजकता थी। उन लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था, उनको पुलिस की कस्टडी में देना चाहिए था, तो दोनों एक बराबर हो गए ना? क्या था वो थी अराजकता, वो हिंसा थी। क्या था वो? देखिए वही क्या वही होता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ। जहां आप आकर सीधे सीधे फायरिंग कर रहे हो, गोली मार रहे हो, मतलब आपको
कोई बदमाश, आपको कोई बदमाश मारेगा तो दोबारा गोली मारोगे? नहीं सर, नहीं नहीं। तो कानून एक कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून का मतलब क्या? ये तो हिटलर और मुसोलिनी वाली सियासत हो गई सर। कानून का मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है सेल्फ डिफेंस एक नाम की चीज होती है। है या नहीं? वो आपके पास राइट्स है ना, वो राइट्स के व्याप पे अगर कोई बंदा आपको मारने आ रहा है और आपको पता है वो आपको मार सकता है, तो राइट्स भी है कि आप उस पर अटैक, एक तो गाड़ी चलाए उसके बाद फायरिंग करके आप गोली मार रहे हो, तो आपके पास दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये नहीं सर, ये राइट नहीं है, सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं है आपको। आप कहेंगे कि मेरे मॉरल राइट्स हैं कि मैं सेल्फ डिफेंस कर सकता हूँ, नहीं नहीं। एक मिनट, अगर आप हिटलर पे पहुंच रहे हो तो अब मैं बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल इसी को हिटलर शाही बोलते हैं जो आज हमारे देश में है। अगर लोकतंत्र में आप किसी चीज का विरोध करोगे, या तो आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा, खालिस्तानी बोल दिया जाएगा, इसी वही तो हिटलर शाही है। विरोध करते हैं आप? विरोध किस चीज का? किसी भी चीज का। देखिए, आप किस चीज का विरोध करना चाहते हैं आज की डेट में? लोक, आप हमारा लोक, सुनिए, हमारा लोकतंत्र का मतलब ये है, क्योंकि हर बंदा सरकार के साथ नहीं हो सकता। आपका एग्जांपल बताइए, एक एग्जांपल बताइए कि जब देश विरोधी, मतलब उसके पक्ष में बोला गया हो, उसके खिलाफ में मुकदमा हो गया हो, नहीं कोई नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है। ऐसा है, देखिए, जहाँ पक्ष में होते हैं वहाँ विपक्ष में भी होते हैं, और पक्ष वाले अगर दलील रखते हैं विपक्ष तो हमेशा विरोधी करेगा। अच्छा, नाम क्या है, नाम क्या है आपका? मेरा हाँ। रहीम। कहाँ से हैं? नोएडा से। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? नहीं, क्या क्या नाम है? नाम से आरफीन। क्या नाम? आरफीन। तो क्या नाम से क्या दिक्कत? नाम से क्यों जज कर रहे हो? मुझे आपका आपका नाम क्या? लोकपुर। लोकपुर। नाम से क्या दिक्कत? सर नाम से मुझे दिक्कत नहीं है। दिस इज, यही आप समझ गए? अब मेरे को आंसर नहीं देना, दिस इज गोइंग, बस समझ लिया ना? दिस इज गोइंग, दिस इज गोइंग। नहीं नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। आई टोल्ड माय नेम, है ना? तो आपने अवार्ड, आपका रिएक्शन क्या था? कि नाम है इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो अगर वहाँ जो किसान बैठे हुए हैं सारे एक नाम से हैं, आप बता दीजिए, जस्ट टेल मी, यहाँ आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा नाम, नाम से दिक्कत क्या है? अच्छा, नाम मुझे कोई दिक्कत, अच्छा दूसरे लोगों को क्या दिक्कत? देश है मेरा, देश है। मैंने मैंने सर मैं यस मैंने यस मैंने बिल्कुल क्यों? अच्छा एक बात, मैं अच्छा मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए नाम से अचानक ऐसी दिक्कत क्या हो गई? मुझे कोई दिक्कत नहीं, 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 आपको नहीं, आपको नहीं, हाँ। ऐसा नाम में ऐसा कोई थप्पा लगा कि नाम में ऐसा बदनामी क्यों हो गई? उनको लगता है कि मैंने कुछ ऐसे काम कर दिया कि मुझे बदनामी झेलनी पड़ी है, या मुझे मुसलमानों ने ऐसा कोई गलत काम किया है कि जो आजकल? आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस, मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी, मैं देश की बात कर रहा था, देश के कानून की बात कर रहा हूँ। नहीं, हिंदुस्तान में अभी अभी एक मिनट, जम्मू कश्मीर हमला होता है, जम्मू कश्मीर में हमला होता है, देश का हिस्सा नहीं है जम्मू कश्मीर? कहाँ का मामला है? जम्मू कश्मीर में अभी हमला हुआ, अभी हमला हुआ, किस तरह से वहाँ लोग मारे गए? हमारे 6 लोग मारे गए हमारे, और CRPF के वो लोग थे, और उसके बाद लेकिन हमारी सेना ने पूरे टक्कर से बदला लिया, और उनके 8 आतंकवादी मारे 2 दिन के अंदर सर। ये सबसे बड़ी वो है हमारी पहल, ये हमारे योगी जी। और बाकी घटना का विरोध किया क्या किसी हिंदुस्तान में? उस घटना का विरोध किया? मैं आपको बताऊं, इन्होंने बोला वो हमारे योगी जी और मोदी जी ने, इनको पता होना चाहिए, वो योगी जी मोदी नहीं, वो हमारे देश की सेना है जिसपे हमें गर्व है, हमारी सेना मारती है। आदेश किसने दिया? आदेश किसने दिया? आदेश किसने दिया? मोदी जी ने, मोदी जी ने। इससे पहले आदेश क्यों नहीं हुआ? इससे पहले आदेश क्यों नहीं हुआ? चलो, जब हमने सोने वाले प्रधानमंत्री, इससे पहले रिमोट कंट्रोल सरकार थी भाई साहब, पहले हालात क्या थे? इससे पहले सेना वाले, आप सब जानते हो, हम भी जानते हैं क्या हालात थे। 317 हटने बाद कितने हालात सुधर गए, आप सब जानते हैं ना। हमने पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क के 2 टुकड़े करे ना, किसने करे? हम नहीं करे, हमारी सेना नहीं करे, उनकी 8 की क्या औकात है? हम तो उनके पूरे देश में घुस के मारे, जहाँ चाहे वहाँ मारे, जहाँ चाहे वहाँ मारे। उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी लीडर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने आदेश दिया कि 2 फाड़ कर दो उनको, और हमारी सेना ने 2 फाड़ कर दिया उनको। यही हम चाहते हैं कि तो क्या क्या यही काम मनमोहन सरकार ने? भाई साहब, 90 मीटर तक तो हमारा भाला जाता है, तो राफेल की बात छोड़ो और बात छोड़ो, हाँ ठीक है, पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दे इंडिया। 2 करोड़ रोजगार सालाना कहाँ घुस गए बताइए? आज हमारे देश का रेपो बेरोजगारी दर का 6 लाख सालाना नौकरियां कम हो रही हैं, बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। महंगाई का दर लगातार बढ़ गया है, देश के अंदर सारी प्राइवेटाइजेशन कर रहे गवर्नमेंट की, जो बाप की औलाद हो, जो अपनी संपत्ति बाप की बढ़ाता है,
वो बेटा कहलाता है सपूत। योगी और मोदी की, इन्होंने कहा योगी मोदी ने संपत्ति बढ़ी, सर योगी मोदी की संपत्ति बढ़ी। सर जो राशन बढ़ता है ना 98,000 करोड़ रुपए का सालाना, वो किसी को याद नहीं आता? 5 किलो याद आता है भाई साहब, एक सेकंड, भैया ने कहा बहुत अच्छा। 5 किलो के राशन के लिए लोग 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं, तब मोदी की वाहवाही नहीं करेंगे ये लोग? तब कहते हैं मोदी, सुन लीजिए, आप मुझे एक बात बताइए, एक भारत के अंदर किसान की कर्ज माफी 36,000 करोड़ होती है और योगी अडानी और अंबानी की 7.5 लाख करोड़, ये माफी क्यों? किसान क्या पागल है? उनकी सालाना इनकम इस 3 महीने के अंदर 1,000 गुना बढ़ गई अडानी अंबानी की, और किसान मर रहा है, बेरोजगार लड़का खड़ा है आज सब यहाँ पर, जितना है सब इनके ऑडिटर जनरल ने, अडानी के और अंबानी के ऑडिटर हैं ये, इन्होंने ऑडिट की इनकी प्रॉपर्टी की और इन्होंने आंकड़े, ये आंकड़े रख दिए सारे इन्होंने, ये मोदी जी के खिलाफ जाके ना 7.5 लाख। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज बताइए सर, अगर मोदी जी ने अपने लिए एक प्लेन खरीदा जो आदमी वर्ल्ड में आज नंबर वन लीडर है, उसने अपनी सुरक्षा के लिए अगर एक प्लेन खरीदा, उसके लिए पूरी दुनिया में वो हो रही है, इन साहब को चिड़ हो रही है, लेकिन अगर वो राशन बांट रहे हैं फ्री, सबके जनधन खाते खुलवा रहे हैं और सबको 50-70 तरह की स्कीम दे रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वैक्सीनेशन का पैसा आप दे रहे हैं, आपने वैक्सीन लगवाया? अच्छा आप ये बताइए, आप किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? किसको बनाना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनाना चाहते हैं, केजरीवाल को एजुकेटेड लाइन पर्सन। केजरीवाल क्या, केजरीवाल फ्री करके पूरा देश बर्बाद कर रहा है, क्या चीज है, क्या चीज से विकास, किस चीज से होगा? मैं कहता हूँ विकास किस चीज से होगा? यूपी में वो फ्री लेके आते हैं तो सीएम बनाएंगे? मैं नहीं बनाऊंगा भाई, सीएम योगी से अच्छा कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता, 380,000 ऊपर जाएगी, मैं कह रहा पक्का गारंटी है, अखिलेश 100 से नीचे रहेंगी, 900 से नीचे।